गाइस, कैसे हो आप सब। और आज सबका स्वागत है एक और वीडियो में। और गाइस, जो इंट्रो और थंबनेल लेकर आपने वीडियो पे क्लिक किया है, वो सारे के सारे क्लिप इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई लोग, फिलहाल हम उतरे हैं ठड्डील, और ठड्डील में चुरा लेंगे सारे बंदों का कील। तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई लोग, क्योंकि इसमें इसमें इंटेंस कूट कूट के भरा है भैया। और फिलहाल हमको यहाँ पे उतरते हैं पीपी बाइजोन, और इस कारण मिल जाता है तो पकड़ते हैं यार बंदों को। अभी तो मैं जा ही रहा था, तभी देखना मेरा टीममेट क्या बोलता है। अरे भाई, आजा आजा, मेरे पास बंदे हैं। साले, तुम बोट हो, बोट की तरह लड़ो, सामने से मत मारो बंदे को, वरना तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। एक बोट क्या मार लिया अपने आपको, तीस मार खा समझ रहा है साले। एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, तू सलूट करेगा मुझे। अच्छा चला साले, एक तो बंदा नहीं मारा जा रहा है तुमसे, और बोलते हो कि ऐसा काम कर जाऊंगा कि सलूट मारेगा। तो गाइस, फिलहाल इस बंदे को निपटाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि और कोई यहाँ पे शायद आया नहीं था अब। तो भैया, जैसे हम यहाँ से लूटपाट करके निकलते हैं, तो देखते हैं कि सामने गिरा है ड्रॉप। और भाई लोग, ड्रॉप के पास तो बंदे जरूर मिलेंगे, तो चलते हैं यार और बंदों को निपटाते हैं। तो भाई लोग, इस गाड़ी पे इतने स्प्रे मारते हैं पर गाड़ी पे कुछ असर नहीं होता है यार, न जाने क्यों। तो भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तभी यार पीछे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो भाई लोग चलते हैं उसे बचाने। तो भाई लोग, यहाँ तो आया था मैं उसे बचाने, पर उसे तो इन लोगों ने फ्यूज कर दिया। और भाई लोग, मैं इसे डैमेज देता हूँ पर ये भाग जाता है ऊपर, तो मैं पीछे हटता हूँ और अपना गन रिलोड करता हूँ और फिर से इसे मारने का ट्राई करता हूँ। तो यार, इन बंदों के अलावा एक और स्क्वाड हम पे हमला कर देता है, तो क्या लगता है गाइस, क्या मैं बच पाऊंगा यहाँ पे। तो गाइस, तब तक मैं इन्हें मारने का ट्राई करता हूँ, तब तक आप भी लाइक के काले बटन को ठोक दीजिए सारे लोग। बहुत तेज हो रहे हो। भैया, ये हम पे हमला कर दिया है तो इसका मार का हुई। अबे साला बच गया, अबे कहाँ भाग रहा है बे, तुझको तो नहीं छोड़ेंगे। साला जिसको देखो वही बन रहा है पुष्पराज, कि साला जिसको देखो वही बन रहा है पुष्पराज। और आज तुम्हारे भाई ने ठड्डील साफ कर दिया है यार। तो भाई जी, इस बंदे को तो मैं निपटा दिया हूँ, पर एक बंदा यहाँ पे और है, तो लगे हाथ उसको भी निपटा देते हैं यार। यहाँ से वो बंदा मुझको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे छत पे आता हूँ और एंगल बना कर उसे मारने का ट्राई करता हूँ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैं सारे बंदे को निपटा देता हूँ और चलते हैं यार यहाँ से आगे। तो भैया जी, इधर मुझे गन का साउंड सुनाई देता है, तो भैया जी इन बंदों को भी निपटाते हैं लगे हाथ। हकर, हकर। तो भाई लोग, इसे तो मैं नक कर देता हूँ, और नक करने के साथ सोचता हूँ कि मैं इन पे रस करूँ। तभी मुझको एक गाड़ी का साउंड आता है और मैं उधर ना जाके इस घर में रुकने का फैसला लेता हूँ। भाई लोग, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो भाई लोग, बहुत वेट करता हूँ पर वो गाड़ी वाला दिखाई नहीं देता है, तो यार चलते हैं और इन बंदों को निपटाते हैं फिर से, क्योंकि अभी तक तो उसे रिवाइव कर चुका होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई लोग, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये तो मुझे पता था कि रस मुझ पे होने वाला है, और होता वैसा ही है, एक बंदा मुझ पे रस कर देता है, तो बस देखो यार।
down. जब टीममेट के साथ में खेल रहे हो भैया तो अकेले क्यों आते हो भाई लोग? तो भैया इसको करता हूँ मैं एनिमी डाउन और ऊपर आता हूँ तो अरे साला ही कौन मारने लगा बे? को जरा शायद से भैया इसका टीममेट अभी जिंदा था तो इसका भी पिछवाड़े में लग गया था तो भैया इसको मारेंगे हम एकदम खतरनाक, वो भी जोन बाबा के लेके सहारा। भाई लोग जल्दी से मैं यहाँ से भागता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बंदा साइड से मेरे पे नेट करने की सोच रहा है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और भाई कुछ ही देर में यहाँ पे जोन भी आने वाला है तो भैया चलते हैं आगे। और अब हम आ गए हैं जोन में, अब देखिए कैसे उस बंदे को निपटाते हैं। और इस बंदे को नॉक के साथ ही मैं कर देता हूँ फिनिश और तभी अरे साला ही को मारने लगा बे। तो भाई लोग यहाँ पे साइड से एक बंदा भी घास में लेटा हुआ था तो इसने ले लिया है हमसे पंगा, तो अब इसको मार के इसका हम कर देंगे चड्डी फाड़ के इसको लंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई लोग अभी तो मैं उस बंदे को ढूंढ ही रहा था तभी एक यहाँ से बग्गी जाती है और बग्गी जाती है तो बंदा इससे उठकर मारने लगता है। इतने में ही मुझे मिल जाता है मौका और मौका पर मैं मार देता हूँ चौका। अच्छा। तो भाई लोग अभी तो मैं लूटपाट कर ही रहा था तभी एक बंदा चलाता है गुम्मा और गुम्मा चला के ले रहा था बंदों को चुम्मा। तो भाई लोग अब तो हम इसके पास नहीं सटने वाले हैं क्योंकि इसके पास है गुम्मा और गुम्मा से हमारे ही नहीं बल्कि सारे बंदों के फटती है। और भैया मैं यहाँ पे आता हूँ और तभी मुझको एक बंदा दिखाई देता है तो उसको मारते हैं ओया। और तभी मुझको दूसरा बंदा भी दिखाई देता है जो भैया बग्गी से उतर नहीं रहा था तो भैया इसको तो मारना पड़ेगा बहुत ही दिमाग लगा के। और जैसे मैं इस पे फायर करता हूँ तो ये बंदा बग्गी लेकर दूसरी जगह भाग जाता है तो भैया चलते हैं आगे। और भाई लोग जैसे मैं इधर आता हूँ तो इधर गिरा था ड्रॉप, तो भैया ड्रॉप के पास तो बंदे जरूर होंगे इसलिए मैं इधर आता हूँ और आते के साथ ही दिमाग लगा के ड्रॉप के पास कर देता हूँ भैया एक स्मोक। और भैया अब मैं कर दिया हूँ स्मोक और अब मैं उसे नहीं ढूंढूंगा। और भैया इसको कर देता हूँ मैं एनिमी डाउन। जैसे ही एनिमी डाउन करता हूँ तो भैया जो बंदा लास्ट वाला छुपा था वो मुझ पे चलाता है WM और भैया बबलू WM की तो आवाज सुनते ही मेरे पिछवाड़ा में लग जाता है एकदम 440 वोल्ट का करंट। और भाई लोग बोट हो जा बंदा हम सबको कर देंगे नंगा। अब हम मेरा मतलब मार देंगे उसको और ले लेंगे चिकन डिनर। और भैया अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर दिया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक ही कर देना भाई लोग। और हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।